आरएसएस चीफ मोहन भागवत की अगुवाई में रांची में 5 दिनों का संघ समागम शुरू हो गया है। राजधानी के मोराबादी में रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक सरसंघ चालक को सुनने पहुंचे। मोहन भागवत ने संघ समागम में जुटे स्वयंसेवकों को अपने संबोधन में कहा कि भारत को बनाने में हिंदुओं की जवाबदेही सबसे ज्यादा है। हिंदू अपने राष्ट्र के प्रति और जिम्मेवार बने, भारत के विश्व गुरु बनना सबका ध्येय होना चाहिए। आरएसएस चीफ ने कहा कि समाज के लिए सभी वर्ग एक हैं। देश को विश्व गुरु बनाना है, भारत को आगे बढ़ाने में हिंदुओं की जिम्मेवारी अधिक है। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। वहीं संघ प्रमुख ने पर्यावरण को लेकर चिंता भी जाहिर करते हुए कहा कि मनुष्य ने पर्यावरण का बहुत विनाश किया है, इसे बचाना जरूरी है। हम सब लोग हिंदू है, इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है, लेकिन यह वास्तविकता है। हम सब भारत के लोग अपनी अपनी पूजा को कायम रखते हुए, अपनी अपनी छोटी पहचान के जो जो नाम है उनको कायम रखते हुए, जात पात के कोई रहते हुए, पंथ संप्रदाय जिसको आज गलती से हम धर्म कहते, धर्म के कुछ भी होते हुए, अपने अपने प्रांत के कहलाते हुए, अपनी अपनी भाषा बोलते हुए भी, हम भारत के लोग सब ये सब अलग अलग है, सदियों से है, फिर भी जुड़े रहते हैं भारत से। भारत को परम वैभव संपन्न राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु देश बनाना है। क्योंकि इसकी आवश्यकता है। जैसे मैं कहता हूं कि संघ को अपने लिए बड़ा बनना नहीं है, वैसे भारत का भी यह स्वभाव रहा है कि भारत अपने लिए बड़ा नहीं बनता है। दुनिया में कई देश बड़े बने और पतित हो गए। आज भी बड़े देश हैं जिनको आज का शब्द है महाशक्ति, लेकिन हम अगर देखते हैं तो ये देश महाशक्ति बनकर करते क्या है? तो सारी दुनिया पर प्रभुत्व संपादन करते हैं, सारी दुनिया के साधनों का स्वयं के लिए उपयोग करते हैं, परंतु हम जानते हैं कि एक राष्ट्र के नाते भारत जब जब बड़ा हुआ, तब तब दुनिया का भला ही हुआ है। अभी गीत आपने सुना, विश्व का हर देश जब दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती, धन्य देश महान। ऐसा हमारा धन्य महान देश भारत है।